अहम खबर दें आपको। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौके अख्तियार करने का फैसला। पाकिस्तान ने मुतालबात ना माने तो इमदाद रोकने समेत सख्त इकदाम करने की तैयारी की जा रही है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इस हवाले से दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया ड्रोन हमलों का दोबारा आगाज करने जा रही है। अमरीका इमदाद रोकने और पाकिस्तान की नॉन नेटो इत्तेहादी के तौर पर स्टेटस कम कर सकता है। ट्रंप इंतजामिया भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये इकदाम उठा सकता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे 92 न्यूज के नुमाइंदे 92 न्यूज के सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़ा इलाही साहब, उनसे हम बात करेंगे। ज़फ़ा इलाही साहब, अमरीका ने अब इस हवाले से ठान ली है कि पाकिस्तान पर अब सख्ती होने वाली है, किस तरह निपटा जाएगा इससे? देखिए, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो पॉलिसी है ये अब बन रहा है इस वक्त, और मैटिस जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उसको ट्रंप ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि आप ये पॉलिसी बनाएं। अब ये वो पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हुआ है, मगर ये जरूर हो रहा है कि कांग्रेस में दो कांग्रेसमैन हैं, सेनेट में और कांग्रेस में, जिन्होंने इंडिया के लॉबिस्ट हैं, जो उनको पैसे मिलते हैं, जो इंडिया के पुराने सपोर्टर्स हैं, जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को वाकई ये जो आपने कहा कि इनको एलाइड स्टेटस से कम करें और इनके पैसे जो भी है थोड़ा बहुत वो रोक दें। अब बात असल ये है कि अगर ये वाकई मैटिस का भी पॉलिसी ये है जो वो रेकमेंड करेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, तो मेरे ख्याल में एक लिहाज से हमें खुश होना चाहिए। इसलिए ये अमरीकनों की धमकी और कि हम एड रोक देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये तो होना ही था। स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है इस एरिया में बदल रहा है, हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है और हम जो हैं वो रूस और चीन के साथ हमारे अलायंसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक न एक दिन ये होना ही था। दूसरी बात, अगर वो वाकई ड्रोन अटैक फिर शुरू कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर उनका बहाना गलत हो और वो गलत टारगेटिंग कर रहे हैं तो फिर हमें भी अनाउंस करना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है, ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है और अगर ये हो तो हम भी इसका रिएक्ट करेंगे। अब किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे, या तो उनको गिरा दें जैसे इमरान खान साहब का कहना है कि हमें शूट डाउन करना चाहिए, या दूसरा एक तरीका है कि हम उन लोगों के साथ जो इनके ये हैं मुखालिफ हैं उनके साथ बातचीत ज्यादा करें। इस वक्त तो हम एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अमेरिका के लिए, हम अमेरिका के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ कह रहे हैं तालिबान से बात करने के लिए हमारे गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल करें और हम तैयार है ये देने के लिए। अगर इस किस्म की ड्रोन और दहशतगर्दी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड तरह होता है ना, जी आप किसी को आके कभी भी जब मर्जी है बम कर दें, मार दें इस बहाने पे कि वो आपके दुश्मन है, ये मुनासिब नहीं है और नहीं ना ये देर तक चल सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़फ़ा इलाही साहब, सीनियर तज़्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।